अच्छे अच्छे वीडियोस हमने आपको दिखाए, लेकिन अब बारी है अंताक्षरी अंताक्षरी की, जिसके लिए अंजना ओम कश्यप मेरे साथ जुड़ गई है इस समय। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस, हम दिखाते हैं, आ जाओ। चलिए, बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं ये लोग। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। बात तो सही है। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। और बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है, एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है ये, प्राइवेट ट्रस्ट है ये, इसके ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा पैसा क्यों लिया गया, हम पूछना। पैसा फेंक, तमाशा देख, ये बिक गई इनकी। अन्ना दो, ये क्या है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? अरे रुको जरा, सबर करो। पहले सीधे रुक कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। आज भारत ने जिस तरह से जवाब दिया और फर्स्ट लेडी स्नेहा दुबे की ओर से जो बातें कही गई, अंजना सीधे उनसे बातचीत करेंगी। अंजना, इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं, एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहां पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना, जब बेइज्जती है ना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ। सरक सरक उधर, अच्छा बात नहीं है। अंजना मोदी मुर्दाबाद। म्यूजिक, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।